हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सानज मल्टी कुचिन फूड। आज हम आप सभी के साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, कोसा गोश्त या कोसा मांसो या कोसा मीट। इस रेसिपी के साथ रोटी, राइस, पराठा, पुलाव सब कुछ बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ इस रेसिपी को घर पर एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नया नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में सरसों का तेल गर्म करेंगे और इसमें 2 इलायची, 1 दालचीनी, 2 तेजपत्ता, 3-4 लौंग और 8 से 10 ब्लैक पेपर कॉर्न्स फ्राई करके 3 मीडियम साइज प्याज स्लाइस किया हुआ ऐड करेंगे और गोल्डन ब्राउन तक प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए प्याज फ्राई हो चुकी है। अब 1 किलो मीट ऐड कर देंगे और मीट को भी कुछ मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। अब 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे भी कुछ टाइम तक फ्राई करेंगे। अब 3 टीस्पून धनिया पाउडर देंगे, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 to 3 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर या नॉर्मल चिली पाउडर। अब सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे और कुछ मिनट्स तक मीट के साथ मसाला को फ्राई करेंगे। अब थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से भूनेंगे जब तक ऑयल और मसाला सेपरेट नहीं हो जाता। अब 1/2 कप होममेड दही फेंट के देंगे। इस दही का रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अब सब कुछ एक साथ कुछ मिनट्स के लिए अच्छे से भुनेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और जब तक मीट अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर नहीं हो जाता है तब तक इसे रखेंगे। तो देखिए मीट बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। अब 1 टीस्पून रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे और कुछ मिनट्स तक इसे फिर भूनेंगे। इस रोस्टेड जीरा पाउडर की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज़। अच्छे से भूनने के बाद फिर से बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके लो फ्लेम में 2 to 3 मिनट्स के लिए इसे रख देंगे। तो देखिए अब रेडी है। इस रेसिपी को आप रोटी, राइस, पराठा, पुलाव या फिर आप अपना चॉइस के हिसाब से कुछ भी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हो। तो देखिए स्पेशल रेसिपी कोसा गोश्त, कोसा मांसो या फिर कोसा मीट बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ इस रेसिपी को घर पे एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही टेस्टी होता है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।